हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन क्लब की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मेरे कुछ सजेशंस हैं आप सभी को। नंबर 1, गिव 30 मिनट्स डेली। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसके रिविजन के लिए 30 मिनट्स डेली दीजिए, और इन 30 मिनट्स में आप लर्न किए हुए वर्ड्स को रिकॉल भी कर सकते हैं। नंबर 2, डोंट गेट कंफ्यूज। इंग्लिश लिखते हुए आप बहुत सी कंफ्यूजन्स में आ जाते हैं, जैसे कि यह कैसे बोला जाए, वह कैसे बोला जाए, तो इसके लिए कंफ्यूज ना रहें। जितना सीखा उतना ही स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते रहें। नंबर 3, परफेक्शन टेक्स टाइम। डेफिनेटली आप तुरंत ही नहीं सीख सकते, आप धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए परफेक्शन आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर 4, यूज इन डेली लाइफ। आप जितने भी स्ट्रक्चर्स या इंग्लिश वर्ड्स आप सीखते हैं उन्हें डेली लाइफ में यूज कीजिए। एंड फाइनली, फेथ इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखें, आप जरूर सीखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको हमारे YouTube चैनल से इंग्लिश बोलना सीखना है। इसके लिए एक रूट मैप को देखते हैं जो डिवाइडेड है 6 प्लेलिस्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट मेन पार्ट है, जहां आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लेक्चर सीरीज मिलेंगी। एंड सेकंड पार्ट में आपको वह सभी प्लेलिस्ट गिवन है जो आपकी इंग्लिश बोलने में पूरी तरह से हेल्प करेंगी। ये प्लेलिस्ट कुछ इस तरह से हैं, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। यहां आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप अपनी डे बाय डे इंग्लिश स्पीकिंग हेजिटेशन को दूर कर सकें। नंबर 2, वोकैबुलरी एंड डेली स्पोकन सेंटेंस। यहाँ आपको वर्ड्स एंड डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस मिलेंगे। नंबर 3, रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पर आप अपनी रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, इंग्लिश ग्रामर। यह जरूरी नहीं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको पूरी तरह से इंग्लिश ग्रामर की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट लेवल के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए, इसलिए इस प्लेलिस्ट को अलग से रखा गया है। 5th प्लेलिस्ट है लिंक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज। यहाँ पर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज मूवी के लिंक दिए जाएंगे, जिनसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स इजिली। किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे बेटर मेथड है कि आप उस चीज को विजुलाइज कीजिए। तो एक वर्ड लेते हैं, पुस्तक विक्रेता, जिसका इंग्लिश मीनिंग है बुक सेलर। अब आपको इस बुक सेलर को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करते हुए ये देखना है कि ये बुक सेलर होता कौन है, जो किताब की दुकान पे रहने वाला, किताबों को बेचने वाला, उसको हम बुक सेलर बोलते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।